कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगो कविकर्मणि। समुद्र किनारे लोगों की भीड़, स्कूबा डाइविंग के लिए जाते लोग, बियर की बोतल्स और सेलिब्रेशन में डूबे हुए लोग, गोवा। कुछ लोगों के सुकून की तलाश अक्सर यहाँ आके खत्म हो जाती है। यहाँ सुकून की तलाश में आए लोग अक्सर अपने जुनून भी पूरे करते हैं, पर जो आते हैं वो अपने विहंगम दृश्य और वर्तमानों को जीने के लिए, और जो पीछे छुट जाते हैं उसे खंडहर समझ कर अनदेखा कर जाते हैं। साउथ गोवा का सेंटोमॉल एरिया, डिमेलो हाउस, जो कि अब एक पुरानी खंडहर विरासत बनकर रह गया है। डिमेलो हाउस, यही वो जगह है जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं, और इसकी वजह है इस हाउस के अंदर बसने वाला खौफ। हाउस से कुछ ही दूरी पर अबॉन्डेंट प्रॉपर्टी का बोर्ड भी लगा है, और शाम के बाद उस एरिया में प्रवेश वर्जित माना गया है। जो जानकार है वो जानते हैं कि उस घर के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसने कभी दोबारा उस घर को घर नहीं बनने दिया, पर उस घर का राज सबसे अनजान था। आस पड़ोस के लोग जब भी उस घर के आसपास से गुजरते तो उन्हें अंदर से चीखने चिल्लाने और चीखों की तोड़ फोड़ की आवाजें आती, जिस वजह से वो वहां कभी दोबारा आने की हिम्मत नहीं करते। पर उस घर का सच अभी भी कोसों दूर था। दो मंजिला डिमोला हाउस अंदर से एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था, जैसे वहां कोई जंग लड़ी गई हो। टूटी दीवारें, फर्शों पर टूटी पड़ी हुई छत, खिड़की दरवाजों की हालत बेहद खस्ता थी। पुराने सोफों पर पड़े हुए कांच के टुकड़े, आधा लटका झूमर, यह घर बस अब एक खंडहर ही था। दीवारों पर अभी भी जमे खून की लिखावट थी, लिव माय हाउस। दिन की गर्मी जितनी बाहर थी उतनी ही आज फिर से उन दो भाइयों के अंदर थी। दोनों एक दूसरे के सामने गुस्से में तमतमाए बैठे हैं। बीच टेबल पर प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हुए हैं। पिताजी की अचानक मौत के बाद विल बीच में ही अटक गई। तब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़े होते चले आ रहे थे। हर बात की वही बात, तुम ये बात समझता क्यों नहीं पीटर कि वो हिस्सा हमारा है जिसपे तुम अपना जबरदस्ती का हक जमाए बैठा है, इडियट। थॉमस ने ये बात बहुत ही गुस्से में कही थी। उसकी आंखें पीटर से हट नहीं रही थी। पीटर ने भी थॉमस की बात पर पलटवार दिया। वो ऊपर का हिस्सा जो शुरू से मेरा था, और वो दूसरा हिस्सा भी। बकवास बात मत कर मेरे से तू पीटर, ऐसा करके तो तू पूरा का पूरा हाउस हड़प लेगा और मुझे तरसने के लिए छोड़ देगा। कैसा नीच ब्रदर है रे तू पीटर। छी, अरे जा जा, तेरे जैसा ब्रदर होना भी कलंक के कलंक, समझा। तू भी तो हमारे साथ जालसाजी कर रहा था ना प्रॉपर्टी को लेकर। दोनों में झगड़े की आवाजें इतनी बढ़ गई कि बाहर से निकल रहे पड़ोसी उन्हें सुनते हुए जा रहे थे। वो लोग भी जानते थे कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी का है, लेकिन कोई भी उन भाइयों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। उस दिन बात इतनी बढ़ गई थी कि थॉमस को लगने लगा था कि अब यह मामला ऐसे नहीं सुलझेगा। उस रात थॉमस अपने कमरे में लेटा हुआ सोच में डूबा था कि तभी उसका दिमाग एक भयानक ख्याल में कौंध उठा। एक पल में आया वो ख्याल थॉमस के लिए आर या पार का निर्णय था। थॉमस उठा और अलमीरा के ड्रॉअर से एक पुरानी कोल्ड गन निकाली और उसमें साइलेंसर फिट किया और ऊपरी हिस्से में पीटर के कमरे की तरफ चल दिया दबे पांव। थॉमस ने सोते हुए पीटर पर उसके दिल के पास दो शॉट्स फायर किए और किस्सा वहीं खत्म कर दिया। पीटर हल्का छटपटाया और फिर शांत पड़ गया। गहरी रात का फायदा उठाकर थॉमस ने पीटर की लाश को बिस्तर से नीचे घसीटा और एक बोरे में बांधकर बाहर गार्डन की ओर खींच लाया। थॉमस ने पहले तो काफी देर तक गार्डन की जमीन को खोदा और फिर पीटर की लाश को बोरे से बाहर निकालकर खोदे हुए गड्ढे में फेंक दिया। लाश को दफनाने के बाद थॉमस ने इधर उधर देखा और फिर दबे पांव अंदर चला गया। पीटर को मारने के बाद थॉमस आज पांचवें दिन भी घर से बाहर नहीं निकला था। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं वो बाहर निकला और किसी ने उससे सवाल कर लिया कि उसका भाई पीटर कहाँ है, तो वो क्या जवाब देगा। इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए थॉमस ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, पर जब घर काटने को दौड़ पड़ा तो थॉमस ने बाहर निकलने की हिम्मत करी और बाहर निकलकर उसी जगह खड़ा हो गया
जहां उसने पीटर की लाश को दफनाया था। थॉमस बहुत देर तक उस जगह को घूरता रहा कि तभी उसे एक आवाज आई। एक पड़ोसी थे जिन्होंने थॉमस को आवाज लगाई थी। ओ थॉमस मैन, कैसा है तू? थॉमस ने सकोचते हुए जवाब दिया, गुड डे सुजा अंकल। क्या बात है थॉमस, इधर बहुत दिन से तुम दोनों भाइयों के झगड़े का आवाज नहीं आया। वो तेरा छोटा भाई पीटर किधर है? पीटर का नाम सुनते ही थॉमस के होश उड़ गए। वह कुछ समझ नहीं पाया कि वो अंकल को क्या जवाब दे कि इतने में अंकल ने दोबारा टोका, थॉमस पीटर किधर है? थॉमस ने इस बार तुरंत जवाब दिया, पीटर अपना हिस्सा लेकर दूसरा शहर चला गया, वहाँ दूसरा काम धंधा करने को अंकल। थॉमस के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर अंकल वहाँ से अजीब सा मुंह बनाकर चले गए। और उसके बाद थॉमस ने इसी झूठ को एक सच बनाकर लोगों के सामने यही कहानी रख दी। जो भी थॉमस से पूछता थॉमस उसको यही बताता कि पीटर अपना हिस्सा लेकर चला गया है। इस कहानी ने थॉमस के अंदर का डर खत्म कर दिया था और अब वो डिमोला हाउस पर अकेला राज कर रहा था। एक रात जब थॉमस आराम से करवट लेकर सो रहा था कि तभी उसके कमरे में लटकता हुआ झूमर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा, जिसकी परछाई थॉमस के चेहरे पर पड़ रही थी। थॉमस एक करवट लेकर सीधा लेटा और झूमर एकदम स्थिर हो गया। झूमर में लगे छोटे बल्ब एक दूसरे से टकराकर बजने लगे, जिससे थॉमस की आंख खुल गई। थॉमस आधी नींद में उठा, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। थॉमस उठा और घर के बाहर ताजी हवा लेने निकल गया। उसने सिगार जलाई और फूंकने लगा। फूंकते फूंकते उसकी नजर लाश दफनाई हुई जगह पर गई और वो खुद से बोला, और ब्रदर पीटर कैसा लग रहा है खुद की प्रॉपर्टी पर ऐसा मस्त सोना? हाँ, इतना बोलकर थॉमस जोर जोर से हंसने लगा और वापस घर के अंदर चला गया। वो अंदर गया ही था कि तभी थॉमस को किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। थॉमस ने पलट कर देखा तो गेट के बाहर एक कुत्ता, जिसकी नजरें उसी जगह थी जहां पीटर की लाश दफन थी, वो उसी तरफ देखकर भौंके जा रहा था। थॉमस को ये देखकर अजीब लगा, पर वो ये सब नजरअंदाज करके चल दिया सोने। अचानक से बहुत सारे कौवे लाश दफनाई हुई जगह पर मंडराने लग जाते हैं और फिर एक साथ अचानक से दिशा बदल कर दूसरी ओर उड़ जाते हैं। उनके उड़ते ही दफनाई हुई जगह पे पड़ी हुई मिट्टी हट जाती है और सड़ा हुआ हाथ बाहर आ जाता है। थॉमस जब सुबह सो के उठा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने सामने जो थॉमस ने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सामने दीवारों पे खून से लिखा था, लिव माई हाउस एल्स डाई। ये नोट पढ़ते ही थॉमस के होश उड़ गए, क्योंकि शब्दों की लिखावट बिल्कुल पीटर की लिखावट जैसी थी। सिर्फ दीवारें ही नहीं पूती थी, घर का सामान भी उलट पुलट था। जिस कमरे में थॉमस गया उस कमरे का हाल बर्बाद था, सारे सामान अपनी जगह से हटे थे। थॉमस जीने चढ़ के पीटर के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही थॉमस पीटर के कमरे में घुसा वो और दंग रह गया। कमरे की लाइट्स, फैन और सारे स्विचेस ऑन थे। उसे कमरे में किसी के होने का आभास हो रहा था। थॉमस को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास खड़ा हो कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके जैसी, जैसे मुर्दा पीटर बोल रहा हो, आई एम हेयर टू क्लेम माई प्रॉपर्टी ब्रदर थॉमस। थॉमस भाग खड़ा हुआ और नीचे जाके अपने कमरे में दुबक के बैठ गया। आवाज फिर आई, क्या हुआ तुमको ब्रदर? तुम डरा सहमा सा क्यों है? तुमने तो मुझे मेरा हिस्सा देके भेज दिया था ना दूसरा शहर, पर तुम मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। ये डिमेलो हाउस पूरा मेरा है और मैं अपना जायदाद लेने माफिक वापस आया है अपनी कब्र से। आवाज पीछे से आई थी। थॉमस ने डरते डरते पीछे देखा तो वो चीख पड़ा। आईने के इस पार तो थॉमस खड़ा था, पर आईने में प्रतिरूप था पीटर का, सड़ा गला शरीर, छाती पर उन्हीं दो गोलियों के निशान जो थॉमस ने उस रात पीटर को मारी थी। दोनों भाई आज एक आईने के आर पार थे। उसके बाद पीटर जोर जोर से आईने से बाहर निकलने के लिए हाथ चलाने लगा। शाम हो गई, थॉमस उसे छटपटाते हुए देख रहा था। थॉमस रोते रोते अपने गुनाह की माफी मांग रहा था, सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर। आधी रात का वक्त,
थॉमस बड़बड़ाते सो गया था। आईने से आवाज आनी भी बंद हो गई। अब पीटर उस आईने के अंदर नहीं था। घड़ी में 3 बजने से 3 बार घंटे की आवाज हुई तो थॉमस डरता डरता उठा। पीटर सॉरी। थॉमस घबराया हुआ था, इतना कि उसे हर जगह पीटर दिखने लगा। और इस बार पीटर ठीक उसके बगल में बैठा था। पीटर को अपने बगल में देख थॉमस को झटका सा लगा और वह हार्ट अटैक से मर गया। तो निकल मेरे घर से, मार डालूंगा तुझे। इस तरह की आवाजें अब डिमोला हाउस से उठने लगी थी अगली सुबह से। पड़ोस के लोग अंदर गए तो थॉमस को मरा हुआ पाया, लेकिन आवाजें दोनों भाइयों के घर में से उठ रही थी जिनमें गुस्सा भरा था। उसके बाद से कोई भी उस घर के अंदर नहीं गया। लोगों ने डिमोला हाउस को हॉन्टेड प्रॉपर्टी घोषित करार कर दिया।